अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट फार्म में आपका स्वागत है। आज एक पूरा लॉट लेके आए हैं हम लोग बरवरी बकरियों का, और माशाल्लाह आई थिंक उसके अंदर टोटल 9 बकरी है। अगर कोई किसी के पास अच्छा ब्रीडर है और कोई चाहता है कि एक अच्छा ब्रीडिंग सेटअप तैयार करे, और वैक्सीनेटेड बकरियां, मैं ये हमेशा से हम लोग इस साल जो करंट ईयर चल रहा है, जैसे 2022 और 2023 हम लोग बोलते हैं, तो इस साल में हम लोग मेन जो हम लोग ने टारगेट कर रहे हैं वैक्सीन को कर रहे हैं। तो वैक्सीनेटेड बकरियां, वैक्सीनेटेड बकरे, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आप लेके, अगर आपको आसानी ये होगी कि आप लेने का है और आप अपने फार्म पे या अपनी जगह पे, अगर एक दो भी लेना चाहते हैं तो भी बेहतर है, लेकिन आप अपने फार्म पे ले जाके सिर्फ उन्हें डाइट देना है, जो भी आपकी स्पेशल डाइट हो या नॉर्मल डाइट हो, आपको वो करना है, ना कि लाने के बाद उसकी सेवा और तीमारदारी करना है। तीमारदारी इन द सेंस, वो बकरी आएगी, स्ट्रेस होएगा, बीमार होएगी, बकरा आएगा, फिर स्ट्रेस आएगा, उसको बीमार होएगा, निमोनिया आएगा, FMD, अस्तफुरुल्लाह, यानी कई ऐसी बीमारियां होती है जो हम लोग बोलने के लिए भी बिचकते हैं कि उसमें बकरों की या बकरियों की जान चली जाती है। तो वैक्सीनेटेड माल लेने का फायदा और बेनिफिट ये है कि ये हमारे फार्म की ही सारी बकरी है। हम लोग दो चार करके जमा करते हैं और बेचने के लिए निकालते हैं, लेकिन मोस्टली ये हो रहा था कि हम लोग ने जो नया फार्म लिए है उसके अंदर बहुत बड़ा स्पेस नहीं है। पहले पुरानी जगह पे हमारे पास स्पेस ज़्यादा था, और अभी स्पेस नहीं होने की वजह से मैं जो हमारे कुछ ब्रीडिंग से सेटअप है, सिर्फ पॉसिबल है बन्नूर का हम लोग नहीं बेचेंगे, जो हमारे बन्नूर का सेटअप है। बाकी बकरियां बरबरी में और कुछ बैंटम में भी मेरे पास मादियां है, वो भी इंशाल्लाह हम लोग फोर्थ सेल के लिए निकालेंगे। तो ये मैंने खुद सेलेक्ट करके कई मादियां ऐसी थी जो मैंने खुद पर्सनल खरीदा हूँ, और कुछ हमारे इधर पैदा हुई मादियां है। फिर टोटल बरबरी की 9 मादी है, और जो बच्चे थे छोटे मोटे वो हम लोग ने पहले ही बेच दिए उसके बच्चे। तो हम लोग एक एक करके दिखाएंगे। कौन आता है? रहमत, तू आ जा। एक एक बकरी दिखाएंगे हम लोग। ये देखिए बकरी, माशाल्लाह, ये अदंद में एक बकरी है। हाँ, वो भी बकरी ले ले। एक एक करके हम लोग बकरी दिखाएंगे। तू वहीं खड़े रहे बेटा। ये पहली बकरी हो गई इस वीडियो की, अदंद बकरी है। गाब मैं अभी बोल नहीं सकता क्योंकि अदंद है और मेल इसके साथ ही था। हमारा जो बरबरा मेल है हमारे पास वो है, तो ब्रीड हुई है नहीं हुई है मेरी कोई कंफर्म वो नहीं है। जो बकरियां मुझे मालूम है कंफर्म जो गाब है वो हम लोग बता सकते हैं। तो इस वीडियो की ये पहली बकरी, अगर कोई भाई सिंगल भी लेना चाहता है तो भी अच्छी बात है, हम लोग सिंगल भी दे देंगे। और अगर पूरा लॉर्ड है, दो बकरी, यानी इसमें से ये पसंद आ गई, ये पसंद है, या कोई दो, अभी ये एक बकरी, ये देखिए माशाल्लाह, ये जोड़ी है, उसको छोड़ दे बेटा, ये दोनों बकरी देखिए माशाल्लाह। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो लाल नहीं, ये दोनों एक एज की है, दोनों अदंत है। ये शायद गाब है क्योंकि अदंत होने के बावजूद ये इसको हम लोग ने बिठा दिया। तुम, मैं दिखाता हूं ये बकरी को, पीछे करो, ये दोनों बकरी अमान दिखा, अच्छा जोड़ा है दोनों माशाल्लाह, यानी सेट है। मैं इसको थोड़ा सी बाहर लेता हूँ, उन लोग को अंदर करो। हाँ, ये आराम से इसको, उसको पकड़ ले बेटा, इसको ले पकड़ के साइड में ले ले एक बार। हाँ, ये दोनों बकरी अगर कोई लेता है, जिसके पास कोई अच्छा ब्राउन में मेल है अच्छी क्वालिटी का, या फिर गुलदार में कुछ है, तो अच्छे बच्चे निकालेंगी बकरियां। दोनों देखे आप, ये दोनों बकरी देखे, ये पॉसिबल है गाब है क्योंकि बीच में ये हीट पे आई थी बकरी, और ये 6-7 महीने की है, और अच्छी जो शॉर्ट हाइट की बरबरी होती है ये वो है। तो अगर दोनों बकरी कोई लेना चाहता है एक साथ तो बहुत अच्छी बात है, मैं रिकमेंड करूंगा कि ये दोनों एक साथ ले ले। सगी बहन तो नहीं है, लेकिन ये बचपन से दोनों एक ही एज के साथ ही में हुए थे, और दोनों अदंत है, बिल्कुल बारीक दांत है, तो अच्छी चीज है। एक जोड़ा ये हो गया, और अगर पूरा लॉट भी अगर किसी को लेना है तो भी कोई एतराज नहीं है मुझे, हम लोग वो भी देंगे, एक दो देंगे, सिंगल देंगे, डबल देंगे, चार देंगे, वो ले ले बेटा, सबसे ज्यादा मस्ती वही कर रही है। अगर कोई दूध के लिए कोई बकरी ढूंढ रहा है किसी को, तो ये देख ले माशाल्लाह, इसको अच्छा दूध आ रहा है, हम लोग चाय वाय पीने के लिए इसका ही दूध यूज कर लेते हैं फार्म पे। तो और बकरी थोड़ा कान की थोड़ी सी वो है, देसी में हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये मेरे लॉर्ड में आई थी अच्छी बरबरियों के साथ, लेकिन ये बकरी दूध की अच्छी थी इसलिए मैंने ये बकरी को परचेस कर लिया था। कभी कभी होता क्या है फार्म पे, जब आप ब्रीडिंग सेटअप चलाते हैं तो कुछ बकरियों को दूध कम होता है,
और वो दूध कम होने की वजह से उनके बच्चे कमजोर हो जाते हैं, वीक होते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी बकरियों के बच्चे मर भी जाते हैं। तो ये बकरी का हम लोग का फायदा ये हुआ कि इसके दूध से हम लोग ने कई बच्चे, अभी ये जो दो बच्चे मैंने इससे पहले भी दिखाया वो ये बकरी के दूध के ऊपर ही सेट हुए थे, इसके साथ रहते थे, जबकि वो उसकी माँ अलग है। तो ये बकरी का बेनिफिट हमने इस तरह से उठाया था। और अब हम लोग के पास जगह की तकलीफ है या जो भी आप बोले, कुर्बानी का टाइम अनकरीब है और हम लोग को जब माल आएगा तो स्पेस ज़्यादा लगेगी, तो वो हिसाब से हम लोग ने सब बेचने के लिए निकाले। इसकी मैं गाप की गारंटी, गाप ये गाप तो नहीं है ना, आई थिंक ये अभी दूध दे ही रही है। तो अगर कोई भाई इंटरेस्टेड हो दूध के लिए, इसके खुर थोड़े से बड़े है, मैं इंशाल्लाह खुर और कटिंग करके आपको दे दूंगा, और बकरी रीजनेबल रेट में मैं कर भी दूंगा दूध उध के लिए अगर किसी को चाहिए। लेकिन ये एक चीज़ है, थोड़ा सी डाइट इसकी अच्छी करनी पड़ेगी जिससे दूध ये अच्छा कर देगा। तो ये एक बकरी और दिखाते हैं, इसको पहले हटा दे बेटा पकड़ के, ये हाँ हटा दे लोग को। ये भी एक बकरी है माशाल्लाह, ये देखे बहुत हेल्दी बकरी है मेरी, हमारी रूसी बर्बरी एक है मेरे पास, ये उसकी बेटी है, बहुत हेल्दी है। मेरे हिसाब से तो हेल्थ में इससे अच्छी कोई बकरी नहीं, साइज छोटी है लेकिन बहुत हेल्दी बकरी है। और माशाल्लाह देख ले आप, एक छोटी सी इसको वो फोड़ी जैसी गांठ आई है, वैक्सीन वाली है ना ये गांठ, हाँ ओके, बता देना बेहतर है क्योंकि काफी लोग देखने के बाद कमेंट में डालते हैं भाई उसको आपने देखे नहीं लगता गांठ है। तो हम लोग, हमारे जानवर की हर चीज हमें मालूम होती है, तो हम लोग को पॉसिबल आप लोग को वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो ये दो बकरी, और वो एक जो हम लोग सिंगल ले वाली बकरी ला बेटा, हाँ ये बकरी ला, ये एकदम ताजी बकरियां हैं। अगर किसी का अगर कोई बकरियां पालने का उनको शौक उठ रहा है, और ये बकरी माशाल्लाह ताकत भी बहुत है इसको, ये तीन बकरी अच्छी है एक साथ अगर, हाँ पकड़ ले बेटा इसको, उसको भाग रही है, बहुत ज्यादा ताकत लगा रही है, फुल वाइट में है, चेहरे के ऊपर ब्राउन बोर जैसा पैच आया है ये तीनों बकरी। मैं इसके लिए ये दोबारा इनको बता रहा हूँ ना, अच्छी चीज़ है, आप लोगों के पास जाएगी। और कई ऐसी बकरियां हैं जो हमारे पास से बिकी या बकरे बिके, जब नाम होता है तो हम लोग को खुशी होती है कि ये बकरियां या ये बकरे बहुत अच्छे हुए, आसिफ भाई से हमने लिए थे, माउथ पब्लिसिटी होती है, उसके बाद और भी कई लोग हमारे पास उसकी वजह से आते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इन लोग को छोड़ दे, इसको ही पकड़ लेते, जान दे लो हटाओ, ये तीनों को हटा दो। ये बकरी आप देखे ले रहा आगे से अकरम, हाँ टैडी है, मुंडी बकरी, बेगर सिंह वाली बकरी जो हम लोग बोलते हैं। ये बीच में मैं लिया था अभी, जब हम लोग ये फार्म पे आए थे तो हम लोग ने जब ही लिए थे, एक्चुअली जब ही इरादा नहीं था ऐसा कि हम लोग को सेल करना है, जबकि मैंने काफ़ी महंगी लिया हूँ ये बकरी, और ठीक है अब बेचना है, बेच के फ्री करेंगे इंशाल्लाह। इसको हटा दे बेटा, तो अगर कोई भाई इंटरेस्टेड हो, ये पूरे दांत पे बकरी है, दो बच्चे डालती है माशाल्लाह, इसका एक बच्चा मेरे पास पलाई पे है जिससे मैंने ये बकरी खरीदा था, उसने मेरे पास बकरा उसका दिया, टैडी बकरा है, आई थिंक 60-65 केजी का बच्चा है अभी, और काफ़ी हेल्दी है, तो बच्चे बहुत अच्छे डालती है ये बकरी भी। तो अगर कोई चाहता है कि टैडी बकरी यानी जो बेगर सिंह वाली बर्बरी आती है अच्छी, तो उसके लिए एक अच्छी चीज़ है। ये हो गया, हम लोग वो बकरियां ला लो, वो दोनों दो बकरी ले लो, ये हाँ ये दो वाइट ले लो, फुल वाइट पीछे वाली बेटा, पीछे वाली हाँ ये ले लो, ये एक बकरी, उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, हाँ ये एक वाइट बकरी हम लोग बताते, लो इन लोगों को ये तरफ करो सबको, आ जाओ बेटा, हाँ ये एक बर्बरी बकरी, ये देखिए माशाल्लाह, ये खाली है, ये गाब नहीं है, ये बकरी भी देखे, ये गाब नहीं है, ये मैं एक्चुअली मेरे किसी आगे एक जगह है, हम लोग ने वहां पे कुछ बकरियां रखाए थे, तो उसमें की एक बकरी है, फुल वाइट में अच्छी है, कान वान भी अच्छे है, ये एक्चुअली अच्छे कानों में आती है। तो ये एक बकरी हो गई, ये ब्राउन वाली पकड़ो, हाँ ये गाबन बकरी है, याली बकरी है, ये गाबन है, अच्छे नर से भी गाबन है, हाँ ये एक अच्छी चीज है कि बहुत अच्छे नर से गाबन है, और कान वान जो आप कैलकुलेशन देखेंगे उसका तो बहुत अच्छी है। इसको हटा दे आगे वाली बेटी को, ये देखे, एक्चुअली जो मैं एक चीज और बता दूं इस वीडियो में कि जो बकरियां बच्चे देने वाली होती है वो बहुत ज्यादा तैयार नहीं होती। देखो आप, हमारे पास जो अदंत बकरियां हैं वो हेल्दी है,
और जो बकरियां बच्चा दे रही है दूध पे आती है तो वो बकरी वीक हो जाती है, क्योंकि उसके बदन से रेगुलर दूध निकलता ही रहता है, बच्चे पीते हैं तो वो वीक होना ही है। अगर आप चाहेंगे कि आपकी बकरी बहुत ज्यादा मोटी रहे, हेल्दी रहे, ऐसी बकरी आप खरीदे तो वो बिल्कुल ना लें, क्योंकि मोटी बकरियां बांझ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बच्चेदानी की आजू बाजू में चर्बियां जम जाती है जिससे बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुकती है, और अक्सर ऐसा होता है कि वो बच्चे उसके अंदर ठहरते भी नहीं है, तो वो भी एक दिक्कत है। ये एक बकरी हो गई, ये एक बकरी, ये भी एक गुलदार में बकरी है, ये भी गाब नहीं है, खाली है। ये हमारी पट्टी की स्पेशल है, ये मेरी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरी, आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा ये स्पेशल बकरी है। आई थिंक मेरे हिसाब से आप जब वीडियो देखेंगे और कॉल करेंगे सबसे पहले ये बकरी रिकमेंड करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके साथ भी आप अगर एक से दो बकरियाँ आप ले ले आपको अच्छा होगा। ये बकरी आप देखें खड़े कान में सींग सिंगार, एक्चुअली औरंगाबाद साइड ये सब चीज़ों की कीमत बहुत है और आप लोग चेक कर सकते हैं। हमारे पास इंशाल्लाह ये एक रीजनेबल रेट में ही मैं करके फ्री करूँगा। बकरी आप देखें माशाल्लाह एकदम बेहतरीन बकरी है, तो फॉर सेल है। ये गाबन है और मेरे ख्याल से करीब की गाबन है, दूध उतारना भी इसने स्टार्ट कर दिए ये बकरी ने, और ब्राउन वाली बकरी ने, ये बकरी ने, ये दोनों दूध उतारना स्टार्ट कर दिए। बाकी कुछ गाबन है नहीं है मैं पक्का गारंटी से नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा होता है कि बकरे साथ में ही रहते हैं हम लोग के, क्योंकि हम लोग ने जो सेटअप बनाए है मेरे, आप अगर आएंगे मेरे फार्म पे ना बनूर का भी मेरा सेटअप देखेंगे, तो बनूर के सेटअप में भी होता ये है कि हमारा मेल उसमें फीमेल के साथ ही होता है, और जैसे हम है या नहीं है, मेंढी हीट पे आ गई या बकरी हीट पे आ गई तो मेल उसके ऊपर ब्रीड कर देता है, हम लोग मेल को अलग नहीं रखते, तो हम लोग उसका बेनिफिट होता है। लेकिन बस डिसएडवांटेज ये है कि मुझे मालूम नहीं पड़ पाता कि कौन सी बकरी कब गाबुन है, लेकिन जब वो उसके आंचल आना या वो जो सिम्टम्स दिखाना चालू करते कि ये अब ये लगता है कि गाबन है, और उसके कई मेरी वीडियो है ये टॉपिक के ऊपर कि इसके गाबन बकरी के क्या सिम्टम्स हैं, तो वो सब चीज़ों से हम लोग को बाद में मालूम पड़ता है कि ये गाबन हो गई है। तो बहरहाल ये 9 बकरियां हैं, अगर पूरा लॉट एक साथ अगर कोई लेना चाहता है तो मैं एक साथ भी दे दूंगा, और एक दो एक दो एक दो करके भी लेना चाहता है तो भी हम लोग दे देंगे, और ये मेरी फेवरेट है, अक्सर मैं बैठा रहता हूँ तो मेरे पास आ जाती है, देने का दिल तो नहीं है लेकिन ठीक है, जगह का थोड़ा सी है, और कितना क्या रखेंगे यार, कब तक रखेंगे, मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम लोग से ज़्यादा आप लोग इसको संभालेंगे और अच्छे से रखेंगे, तो देखें जिसको जो चीज़ पसंद आती है उसके लिए मुझे कॉल करें, मेरा नंबर स्क्रीन पे ऊपर है और डिस्क्रिप्शन में भी है मेरा नंबर, अमान का नंबर है, तौसीफ का नंबर है, जो जैसा चाहता है जिसको फ़ोन करना चाहता है। बहुत से टाइम ऐसा होता है कि मैं नहीं कॉल उठा रहा हूँ तो तौसीफ को फ़ोन लगा लेते हैं, कोई लोगों की तौसीफ से बहुत अच्छी जमती है, उनको ऐसा लगता है तौसीफ डील अच्छी देता है, तो आप लोग तौसीफ से करें, कहीं से भी करें, काम हमारे फार्म पे ही होता है। तो बहरहाल 9 बकरी का लॉट है, अगर कोई भाई चाहता है तो मुझे कॉल करें। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।